हेलो स्टूडेंट, आप सभी को आईटीआई वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मर रेशियो में हम लोगों ने जाना था कि ES अपॉन EP इक्वल टू IP अपॉन IS NS अपॉन NP टू, इस तरह करके हम लोगों ने जान लिया, इस तरह हम लोगों ने जान लिया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बीच में इस तरह का रिलेशन होता है। तो आज हम लोग जानेंगे EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। सो EMF इक्वेशन क्या होता है, हम लोग उसको निकालेंगे, कितना होता है उसको हम लोग निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर में हम लोग अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का सोर्स देते हैं, मतलब एसी सोर्स देते हैं। तो मेरा फ्लक्स जो जनरेट होता है मेरा कौन सा नेचर का होगा, एसी नेचर, अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, राइट। तो हम लोग इसी से ईएमएफ इक्वेशन को डील करेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, तो हम लोग ने अभी जस्ट मैंने बताया कि फ्लक्स कौन सा नेचर का होगा, अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। फ्लक्स जो मेरा है अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, राइट। उसका मैंने एक साइकिल को यहाँ पे दर्शाया है, इसी से हम लोग रिलेट करेंगे, ईएमएफ इक्वेशन को निकालेंगे, राइट। तो यहाँ मान लेते हैं कि फ्लक्स जो है मैक्सिमम, मतलब कि ये जो फाइ मैक्स जो है ये कोर की उच्चतम फ्लक्स है, टी जो है एक साइकिल का समय है, ये एक साइकिल का समय को टी से रिप्रेजेंट किए हुए हैं, और फ्रीक्वेंसी है जो एफ से हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं, इसको हम लोग साइकिल प्रति सेकंड भी बोलते हैं, राइट। तो हम लोग जानेंगे कि टी सेकंड में कितना का, टी सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट होता है, कितना आता है टी साइकिल में, एक टी सेकंड में, सॉरी टी सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो एक सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट होगा, एक सेकंड में 1/T साइकिल, राइट। तो अब देखते हैं कि उच्चतम फ्लक्स, यहां पे देखिए उच्चतम फ्लक्स क्या है कि 1/4 साइकिल पर काटती है, क्या काटती है, एक साइकिल हम लेते हैं उसमें से देखते हैं कि जो मैक्सिमम फ्लक्स जो है इस साइकिल का 1/4 पार्ट में काटती है, राइट। तो उसमें कितना, अगर या 1/4 ऑफ साइकिल में काटती है तो उसमें समय कितना लगेगा, उसमें समय क्या लगेगा, T/4, राइट। उच्चतम फ्लक्स 1/4 साइकिल पर काटती है तो इसमें लगने वाला समय कितना होगा, T/4, राइट। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि T=1/F होता है, तो T=1/F पुट कर देंगे तो कौन सा रिजल्ट आएगा, देखिए यहां पे दिख रहा है T=, हम लोग लिखेंगे 1/F डिवाइडेड बाय, मैं लिख रहा हूं यहां पे लिखते हैं T/4, 1/ इस साइकिल का जो मैक्सिमम फ्लक्स कट हो रहा है वह 1/4 ऑफ साइकिल है, तो इसमें लगने का कितना समय लगेगा, इसमें कट करने में T/4। तो हम लोग जानते हैं T=1/F होता है, तो आप पुट कर दिए 1/FT, तो क्या आएगा 1/4F, राइट। अब देखेंगे फ्लक्स में औसत परिवर्तन कितना होता है, तो फ्लक्स में औसत परिवर्तन होता है φmax/T, कितना होता है औसत परिवर्तन होता है φmax/T, राइट। अब यहां क्या क्या करेंगे, हम लोग टी का वैल्यू को
पुट कर देंगे, राइट। या फिर हम इसको और एक बात कर सकते हैं कि जो फ्लक्स में औसत परिवर्तन फाइ मैक्स बाय टी मिला, तो 1/4 साइकिल में औसत फ्लक्स का परिवर्तन कितना होगा उसको देखते हैं। तो 1/4 में औसत परिवर्तन क्या होगा, टी की जगह क्या रखेंगे, 1T/4। टी बाय फोर, और हम लोग जानते हैं टी बाय फोर इसको कितना आया है, 1/4F। तो इसको लिख सकते हैं T/4 इक्वल टू फाइव मैक्स, और ये फोर जो ये वाला जो है वो T/4 का लिख देंगे तो टोटल क्या आएगा, 5 मैक्स 4F। ये कितना हो, ये हमको मिला कितना का, 1/4 ऑफ साइकिल का फ्लक्स, औसत फ्लक्स, राइट। अब हम लोग तो औसत ईएमएफ जो होगा वो हम लोग डिनोट करते हैं ईएफएफ या राइट, या ई एवरेज भी डिनोट कर सकते हैं। औसत ईएमएफ फेरा यहां से कितना आएगा, 1/4 साइकिल के लिए 5 मैक्स 4F, राइट। और हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स साइनोसॉइडल होता है तो वोल्टेज मेरा क्या होगा, साइनोसॉइडल उत्पन्न होगा। तो मतलब इसमें बेसिकली साइन वेव में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो इसीलिए हम लोग निकालते हैं फॉर्म फैक्टर, और हम फॉर्म फैक्टर क्या होता है, RMS/एवरेज, राइट। तो यहां से हम लोग तो फॉर्म फैक्टर जो होगा, फॉर्म फैक्टर हम लोग क्या लिखेंगे, क्या होता है, RMS/एवरेज इस पर कितना होता है, 1.11 साइनसोइडल के लिए, राइट। तो इसको हम लोग क्योंकि हम लोग एक्चुअल ईएमएफ डिजाइन कर रहे हैं तो इस ईएमएफ टर्म में इसको फॉर्म फैक्टर लिखेंगे, तो क्या होगा फॉर्म फैक्टर, क्या होगा, होगा ERMS/EAVERAGE इक्वल टू 1.11। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका ई एवरेज का वैल्यू इसको पुट करेंगे, राइट। तो कितना आंसर आएगा, तो मेरा यहां से अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ERMS क्या होगा, ERMS इक्वल टू ई एवरेज इनटू 1.11, राइट। अब इसका इसको इसके जगह इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या होगा ERMS का, ERMS इक्वल टू 5 मैक्स इंटू 4F इंटू 1.11, राइट। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या होगा, 4.445 मैक्स इंटू F, राइट, ERMS। ये ओनली और ओनली सिंगल टर्म के लिए एक टर्म का ये ERMS निकला, ईएमएफ इक्वेशन निकला, राइट। अगर हम चाहेंगे कि इसको हम प्राइमरी साइड में कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा, राइट, तो उसको हम लोग ERMS प्राइमरी साइड इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो क्या होगा, 4.445 मैक्स F इंटू MP प्राइमरी साइड। उसी प्रकार सेकेंडरी साइड में क्या होगा, सेकेंडरी साइड में
एमएस पर टू क्या होगा 4.445 मैक्स एफ इनटू एमएस, राइट। इस तरह हम लोगों ने जाना ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, राइट। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ट्रांसफॉर्मर, राइट। हम लोग ये भी जानते हैं कि फ्लक्स इक्वल क्या होता है, B इंटू N। तो फ्लक्स मैक्स इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इंटू इसका एरिया। इसको हम अगर पुट कर देंगे मैक्सिमम फ्लक्स की जगह यहां पे, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा यहां पे, इसकी जगह हम पुट करते हैं B इंटू ए, तो मुझे क्या रिजल्ट आएगा, तो वो रिजल्ट आएगा ई आर एन एस इक्वल टू 4.44 बी मैक्स इंटू ए इंटू एफ। ये है बी मैक्स, को अच्छा से लिखते हैं बी मैक्स इंटू ए इंटू एफ। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कराएंगे, राइट। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग एक क्वेश्चन को भी इसके रिलेटेड देखेंगे, राइट। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग 600 वोल्ट 50 साइकिल पर सेकेंड, मतलब 50 हर्ट्ज से कनेक्टेड है, उसकी उच्चतम फ्लक्स डेंसिटी 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर और कोर एरिया है 0.05 मीटर स्क्वायर। प्राइमरी वाइंडिंग के टर्नों की संख्या बताइए, निकालना क्या है प्राइमरी वाइंडिंग एनपी। यदि सेकेंडरी वोल्टेज 220 वोल्ट हो तो सेकेंडरी में कितने टर्न होंगे, हमको क्या निकालना है, सेकेंडरी टर्न निकालना है और प्राइमरी वाइंडिंग निकालना है, प्राइमरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न निकालना। तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या दिया हुआ है उस पर फोकस करते हैं। इन्हें क्या है ट्रांसफॉर्मर, प्राइमरी वाइंडिंग का दिया हुआ है, प्राइमरी वाइंडिंग के टर्नों की संख्या, अच्छा आया टर्नों की संख्या निकाली। प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज कितना दिया हुआ है, प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज ई प्राइमरी कितना दिया हुआ है 600 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज भी लिखेंगे या साइकिल पर सेकंड, दोनों का मीनिंग सेम है, राइट। उसकी उच्चतम फ्लक्स डेंसिटी और क्या दिया हुआ है, फ्लक्स डेंसिटी बी मैक्स कितना दिया हुआ है 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। उसका कोर एरिया कितना दिया हुआ है, कोर एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर, राइट। प्राइमरी वाइंडिंग के टर्नों की संख्या ज्ञात करना है, टर्न एनपी निकालना है, ठीक है, एनपी निकालना है। उसके बाद यदि सेकेंडरी वोल्टेज क्या हुआ, सेकेंडरी वोल्टेज ई एस कितना है 220 वोल्ट, तो सेकेंडरी में कितने टर्न्स होंगे, तो सेकेंडरी का टर्न्स निकालना है, इतना चीज गिवन है, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जानते हैं, इससे पहले अभी हम लोगों ने
ईएमएफ इक्वेशन पढ़ा, क्या पढ़ा कि ईआरएमएस इज इक्वल टू 4.445 mx एफ, इक्वेशन पढ़ा था। अगर ये प्राइमरी साइड का हो तो इसको लिख सकते हैं ईपी इज इक्वल टू 4.445 mx इंटू एम पी, राइट। इसमें से 5 mx डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, राइट। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 5 mx को बी मैक्स इंटू ए इस टर्म में, और इस टर्म में यहां पे दिया हुआ है बी मैक्स और ए दिया हुआ है, तो हम लोग इसको सजाते हैं इसी टर्म में, क्या होगा 4.445 mx की जगह क्या लिखेंगे बी मैक्स इंटू ए इंटू एफ इंटू एम बी, राइट। यहां से ये भी नॉन है, ये ई दोनों भी नॉन है, ये भी नॉन है, तो यहां से क्या मेरा निकल सकता है प्राइमरी टर्म्स, कितना टर्म्स है यहां से हमको प्राइमरी टर्म्स निकल जाए, राइट। तो निकालते हैं, तो यहां पुट करेंगे ईपी कितना है 6600 4.44, बी मैक्स कितना दिया हुआ है 1.2 into 1.2, ए कितना दिया हुआ है 0.05, एफ कितना दिया फ्रीक्वेंसी 50 है, निकालना क्या है एम पी, तो डायरेक्ट यहां से एम पी निकल जाएगा, तो एम पी क्या होगा 600 divided by 4.44 into 1.2 into 0.05 into 50 is equal to mp, राइट। इसको अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपको आएगा 40 mp इज इक्वल टू, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो आपको आएगा यहां पे लिखते हैं mp इज इक्वल टू आएगा आपके पास 496 टन्स, राइट। अब हमको और क्या पूछ रहा है, ई एस दिया हुआ है, क्या निकालना है एन एस निकालना है, राइट। तो हम लोगों ने कल एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पढ़ा था, राइट, तो उससे हम लोग इसको रिलेट करते हैं, मेरा एन पी कितना आया 49.6, अब हम लोग कर्व वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है उससे कंपेयर करते हैं, क्या जान किए थे कर्व ई एस ई पी इक्वल टू क्या होता है एन एस एन पी, राइट। अब हमको क्या क्या पता है, ई एस भी पता है, ई पी भी पता है, एन एस निकालना है, एम पी अब पता चलिए एम पी कितना है 496 टन्स, तो यहां से रिलेट करते हैं क्या, अगर ई एस मेरा कितना है ई एस मेरा 220 वोल्ट, ई पी कितना है 6600, एन एस निकालना है, राइट। अगर इसको पता है एम पी कितना है 496 टन, राइट, इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं डिवाइड में है, इसको डायरेक्ट इनटू में लेके आ जाते हैं 496, यहां पे इनटू में क्या आ जाएगा 496, तो मेरा टोटल टर्न्स कितना आएगा एनएस इक्वल टू आपका आएगा 16.5 टर्न्स, और इसको डायरेक्टली हम करेंगे 17 टर्न्स, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इतना आंसर आएगा, राइट। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने सॉल्यूशन किया ईएमएफ इक्वेशन का रिलेटेड क्वेश्चंस को, राइट। तो इस क्वेश्चन में इतना ही।